हेलो एवरीवन, कुंवर सिंह बेनीपाल दिस साइड एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। सो आप में से कुछ लोग मेरे बारे में जानते ही हैं कि मैं एक बिजनेस करता हूं जिसका नाम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और मैं पिछले 5 साल से इस बिजनेस का पार्ट बना हुआ हूं और बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूं। और मुझे इस बिजनेस के बारे में बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं क्योंकि यहाँ से मैं एक अच्छी अर्निंग ले पा रहा हूँ और प्लस और बहुत से लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ एक अच्छी अर्निंग यहाँ से लेने में। लेकिन आपको इस बिजनेस के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे कि इसमें ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। तो अच्छी के साथ साथ नेगेटिव जानना भी बहुत जरूरी है, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो फॉरएवर की जो 3 नेगेटिव बातें मुझे लगती हैं, सबसे ज्यादा खराब बातें लगती हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज अगर मैं आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें बताता जाऊंगा तो उससे दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, वो फिर ऑनेस्ट नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ नेगेटिव बातें बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए इस चीज को। सबसे पहली नेगेटिव चीज, मुझे सबसे खराब बात फॉरएवर की क्या लगती है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग फ्री है, कोई ज्वाइनिंग की फीस नहीं है। स्पेसिफिकली कंपनी कोई ज्वाइनिंग की फीस लेती नहीं है, तो इसका ये एक अपॉर्चुनिटी भी है बट एट द सेम टाइम ये एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम कैसे है कि क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, जहां लगेगा धन वहां लगेगा मन। तो आपको एक ऐसी कंपनी जो कि 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, 32,000 करोड़ की टर्नओवर है, इतनी बड़ी कंपनी आपको बिजनेस पार्टनरशिप दे रही है, वो भी बिना कोई फीस लिए। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्योंकि फ्री में है इसीलिए हम इसको कई बार हल्के में ले लेते हैं। बहुत से लोग फ्री देख के बहुत तेजी से ज्वाइन करने के लिए आते हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है भाई फ्री तो है लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है ना, तो मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ रुपए नहीं आएंगे, तो फिर वो फिर जितनी तेजी से आते हैं उससे दुगनी तेजी से यहां से भाग के भी जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग फ्री जो है ये एक नेगेटिव पॉइंट है इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो सेकंड चीज जो मुझे इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव लगती है वो ये है कि ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा बढ़िया है लेकिन ट्रेनिंग्स भी फ्री हैं। तो ट्रेनिंग्स फ्री होने की वजह से बहुत से लोग ट्रेनिंग्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज ट्रेनिंग अगर नहीं भी अटेंड करी तो कल वाली लगा लेंगे, परसों लगा लेंगे, ठीक है, एक आध ट्रेनिंग मिस भी होगी तो क्या हो गया। यहीं आप अगर किसी फैमिली फंक्शन में जाते हो, किसी शादी में, किसी रिश्तेदारी में, मतलब कोई फंक्शन है, किसी की शादी है, आप वहां पर जाते हो तो वहां पर क्या होता है कि कुछ लोगों से आप पूछते हो कि आपके बच्चे साथ में नहीं आए, तो वो क्या बोलते हैं, उनकी ट्यूशन थी, उनकी क्लास थी, ये क्लास थी, वो क्लास थी, मैथ्स की ट्यूशन थी। तो आप ये सोचो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली फंक्शन छोड़ देते हैं लोग अपनी ट्यूशन की वजह से। क्यों? क्योंकि ट्यूशन में बहुत ज्यादा पैसे लगे हुए हैं। तो अब मैं अपनी बात भी करूं तो 2013 में जब मैंने प्लस वन नॉन मेडिकल ली थी डिप्लोमा से पहले, क्योंकि डिप्लोमा की क्लासेस शुरू होती हैं अगस्त से, तो 10th के एग्जाम हो जाते हैं मार्च में, तो फिर बीच वाला जो टाइम था मैंने प्लस वन में एडमिशन ली नॉन मेडिकल में, तो उस टाइम पे फिर मैंने ट्यूशन रखनी थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की। तो वो ट्यूशन की मैं आपको बताता हूँ, 2013 की बात है, मैथ्स की ट्यूशन 20,000 रुपये, फिजिक्स की 32,000, केमिस्ट्री की 28,000, लगभग 80,000 रुपया मेरा ट्यूशन के ऊपर खर्चा उस टाइम पे आ रहा था। तो अब 80,000 रुपया अगर लगा हुआ हो तो कोई कैसे ट्यूशन मिस करेगा, चाहे मैथ बिल्कुल बोरिंग लग रहा हो, फिजिक्स चाहे ऊपर से निकल रही हो, केमिस्ट्री के विटामिन मिनरल मॉलिक्यूल जो भी है ना, तो इक्वेशन बैलेंस करना, वो सब चीजें मतलब पीरियोडिक टेबल ऊपर से निकल रहे हो, लेकिन फिर भी आप ट्यूशन कभी मिस नहीं करते क्योंकि पैसे लगे हुए हैं। फॉरएवर में आपको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग्स मिलती हैं बहुत हाई लेवल की, ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में कामयाब हैं, लाखों रुपए मंथली कमा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड से, कोई बीटेक है, कोई एमबीए है, कोई एमबीए एचआर फाइनेंस मार्केटिंग, अलग अलग फील्ड के जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपको ट्रेनिंग्स देते हैं वो भी फ्री में, लेकिन वैल्यू नहीं करते क्योंकि फ्री है, फ्री की चीज की वैल्यू कहाँ होती है ना। तो ट्रेनिंग्स फ्री है, दैट इज ऑल्सो ए नेगेटिव पॉइंट। अपॉर्चुनिटी भी है अगर आप पॉजिटिवली लेंगे, लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी है। तीसरी चीज जो मुझे फॉरएवर के बारे में बहुत खराब लगती है, दैट इज कि यहाँ पे आपका जो सीनियर है, आपका जो अपलाइन है, वो केवल आपका अपलाइन है, वो आपका बॉस नहीं है। अब क्योंकि वो बॉस नहीं है तो वो आपको ऑर्डर नहीं दे सकता, गाली नहीं निकाल सकता, आपको डांट नहीं सकता, ठीक है, आपको छुट्टी कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस वजह से कई बार हमारे यहाँ पे जब अपलाइन अपने जूनियर को गाइड करता है डाउनलाइन को, तो हल्के में ले लेते हैं उसकी बात को कि चलो यार ये क्या हो जाएगा, ये क्या कर लेगा, अगर हम इसकी बात नहीं भी मानेंगे तो ये निकाल थोड़ी देगा कंपनी से, क्योंकि उसके हाथ में है ही नहीं आपको निकालना।
तो यही अगर आप जॉब में होते तो आपको डर होगा कि भाई काम नहीं करेंगे तो सैलरी काट लेगा, काम नहीं करेंगे तो निकाल देगा। तो यहाँ पे क्योंकि वो बॉस नहीं है, वो अपलाइन है, वो आपकी हेल्प कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपको मेंटर कर सकता है, लेकिन आपको ऑर्डर नहीं दे सकता। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है मेरी नज़र में, क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है, मेरे एक सीनियर ने ही उन्हीं से मैंने सुनी थी कि नौकरी में बॉस का डर और व्यापार में लॉस का डर। तो फॉरएवर में ना तो बॉस है ना लॉस है, तो अगर डर ही नहीं है किसी चीज़ का तो फिर डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन में ज्यादातर लोग नहीं रह पाते। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है कि भाई आपको छुट्टी पहले 3 दिन पहले अप्लाई करनी पड़ती है, अब जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, तो उस वजह से अपलाइन बॉस नहीं है। तो इस वजह से ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से कुछ लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, जो कि बहुत ही टॉप क्लास लेवल का बिजनेस है। ठीक है, अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इन तीनों प्रॉब्लम्स को पॉजिटिवली लिया था कि भाई ये मेरे लिए प्रॉब्लम्स नहीं, मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। तो अब क्योंकि मेरी मेरा जो पास्ट प्रोफेशन है दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, तो अब इंजीनियरिंग तो मेरी तो ये फील्ड ही नहीं है फॉरएवर की, क्योंकि फॉरएवर हेल्थ का बिजनेस है, एक तो है हेल्थ रिलेटेड ऊपर से है बिजनेस। तो अब मैंने ये चीज तो सबको मालूम ही है कि भाई आज के टाइम पे हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन इसमें काम कैसे करा जाए। तो फॉरएवर हमें वो अपॉर्चुनिटी देती है, तो मैंने इसका बेनिफिट लिया ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ना तो इंजीनियरिंग का हेल्थ के साथ कोई लिंक है, ना इंजीनियरिंग का कोई बिजनेस के साथ लिंक है। स्टिल 19 साल की एज में मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था और 20 साल की एज में मंथली 1 लाख रुपए इनकम जो है यहां से मैंने मंथली क्रॉस कर दी थी। सो जस्ट बिकॉज फ्री ज्वाइनिंग, फ्री ट्रेनिंग एंड अपलाइन जो है वो बॉस नहीं है। दैट्स वाई मैं इनिशियली स्टडी के साथ साथ बिना अपने स्टडी को डिस्टर्ब किए मैं फॉरएवर को साथ में मैनेज कर पाया। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए छोटे से छोटे काम में भी, छोटी से छोटी दुकान खोलने में भी 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए लग जाता है, तो यहाँ पे अगर लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट होती तो शायद मैं नहीं कर पाता। यहाँ पे अगर ट्रेनिंग्स के बहुत ज्यादा पैसे लिए जाते तो भी शायद मैं ना सीख पाता प्रॉपरली। और अगर अपलाइन बॉस होता कि भाई इतने बजे पहुंचो, तो फिर स्टडी के साथ मैं मैनेज ना कर पाता। तो ये अच्छी बात है कि आप बिना अपनी जॉब, स्टडी या फैमिली पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करें इसको कर सकते हो, और एक सर्टेन लेवल पे पहुंच के अब फुल टाइम इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, आपको कुछ समझ आया होगा। एंड बाकी इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए और जानकारी लेने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जैसे बाकी यूट्यूबर बोलते हैं लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, और क्या करना होता है, आई थिंक या बेल आइकन को दबाना होता है, तो आप बेल आइकन भी दबा दीजिए, बिकॉज आपको और इस तरीके की वीडियोस रिलेटेड टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग एंड पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड आपको वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी कुंवर सिंह बेनीपाल के ऊपर। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।